हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। अंजलि किचन में सभी का स्वागत है। आज का रेसिपी है कुरकुरे के चटपटी चाट बनाने का तरीका। बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो, खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। अब हम बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले 2 पैकेट कुरकुरे का ले ली है, अब वीडियो के अनुसार देख सकते हो। 1 कुरकुरे का पैकेट आगे से कट कर लेंगे, आगे से कट कर ली है। दूसरे पैकेट को हम बेलन के प्रेस करते हुए इसे तोड़ लेंगे, आप वीडियो के अनुसार देख सकते हो। इसे तोड़ ली है, अब इसे भी कट करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। दोनों कुरकुरे हम प्लेट में निकाल ली है। अब इसमें भुने हुए मूंगफली के दाने और सेब डाल दी है, 3 बड़े चम्मच सेब डाल दी है। अब 1 प्याज को कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे टुकड़ों में प्याज को कट कर ली है। अब 2 हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और चटपटी एक बार अगर खाओगे तो बार बार आप बनाकर खा सकते हो। अब यहाँ पे 1 टमाटर को भी कट कर लेंगे, आगे से कट कर लिए, इसे भी छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। छोटे टुकड़ों में कट कर ली है, आप वीडियो के अनुसार देख सकते हो। अब हरी धनिया की पत्ती को भी कट कर लेंगे, इसे भी बीच से 2 भाग कर ली है और छोटे टुकड़ों में कट करेंगे। सभी को कट कर ली है, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर और प्याज को। अब चाट बनाने का प्रोसेस में चलते हैं। सबसे पहले प्याज डालेंगे, सेब और मूंगफली पहले ही डाल दी थी, अब प्याज डाल दी है, हरी मिर्च। यहाँ पे आप चाहे तो आलू उबाले हुए भी डाल सकते हो। टमाटर डाल दी है, अब हरी धनिया की पत्ती डाल देंगे ऊपर से। काली नमक 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे, चाट मसाले 1 चम्मच ऊपर से, 1/2 नींबू डाल देंगे, आप चाहे तो 1 नींबू भी डाल सकते हो। खट्टी मीठी चटनी, टमाटो चटनी डाल दी है 1 चम्मच। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सभी को अच्छी तरीके से हाथ धो करके मिक्स कर ली है, अब इसे फैला लेंगे। अब गोलाई शेप में कटी हुई प्याज से गार्निशिंग कर देंगे। अच्छी तरीके से गार्निशिंग कर ली है, अब यहाँ पे 1 चम्मच के सहायते से गार्निशिंग वाले प्याज पे टमाटो केचप डाल देंगे। अब इसे सर्व करें। कुरकुरे चाट बनाने का तरीका अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। पहली बार वीडियो देख रहे तो बेल आइकन दबा देना। वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच